मूवी का एक्शन कैसा लगा? बहुत सही। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, पर तुमसे बदला लेने के बजाय मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी को संस्कार दूं। अब इसे कायरता समझो, मेरी मजबूरी समझो, तुमको जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन मेरी बेटी मुझे एक अच्छा बाप समझती है। तुम उसकी माँ के कातिल हो ये जानते हुए भी उसने तुम्हें दादाजी कहा और प्यार से तुम्हें सिर्फ सॉरी बोलने को ही कहा, यही मेरे संस्कार की जीत है। जब तेरे बेटे ने एक मासूम लड़की का वैशी जानवर की तरह रेप किया था, उसी समय तू बाप कहलाने का हक खो चुका था। चोर, गुंडा, फ्रॉड, राउडी, रेपिस्ट, टेररिस्ट, पियक्कड़, नशेड़ी, किडनैपर, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स, और ऐसे घटिया लोगों के पीछे उन पिताओं का हाथ है जिन्होंने सही समय पर गलत रास्ता दिखाया, उनकी अच्छी परवरिश नहीं की। तुम जैसे असली मुजरिम औलाद से ज्यादा उन्हें ऐसा बनाने वाले तुम जैसे बाप ही हैं। गलती हो गई यार, तेरे बेटे से पहले तेरा अकाउंट क्लोज करना चाहिए था। हट, मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश जाननी थी ना, बोले तो बता दूं। तेरी किस्मत अच्छी है, जल्दी ऊपर जाएगा। क्या स्पेशल स्क्वाड 36 रिपोर्टिंग सर? यस। हमें लोकेशन में कोई नहीं मिला, द कोस्ट इज क्लियर सर। ओके, क्लियर। आप सब थोड़ा धीरज रखिए, 48 घंटे के अंदर कातिल आपके नजरों के सामने होगा। सर, अफवाह है कि ये हत्याएं विजय कुमार ने की हैं। इसे अफवाह कह के आपने सवाल का जवाब दे ही दिया। एक मरा हुआ इंसान भला दूसरों को कैसे मार सकता है? सर, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। किसने देखा है, नाम बताओ, कौन है वो? टीआरपी के लिए मीडिया कुछ भी कर सकती है। एक्सक्यूज मी सर, जिन तीन लोगों की हत्याएं हुई हैं वो बहुत ही मशहूर लोग हैं। कानून के लंबे हाथ वीआईपीस तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट